नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भारतीय नॉलेज पॉइंट में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही प्रेस्टीजियस, एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि है बुलेटिन प्रोजेक्ट के बारे में। तो दोस्तों, ये जो अपडेट है ये अहमदाबाद का अपडेट है। आप देख सकते हैं दोस्तों, अहमदाबाद शहर के अंदर किस तरीके से जो पिलर का काम है वो कम्प्लीट हो चुका है। पिलर जो गाड़े जा चुके हैं दोस्तों, इसके ऊपर जो आप ये क्रेन देख सकते हैं लाल कलर का, ये क्रेन का जो काम है दोस्तों, ये है किसी तरीके से ये जो स्टेबल एक पाथ प्रोवाइड करना हमारे जो रेलवे ट्रैक्स बिछेंगे उसको। तो दोस्तों, हम लोग इसको रीजनल लैंग्वेज में गार्टर कहा जाता है, जो एक पिलर के ऊपर चढ़ता है। तो दोस्तों, ये पिलर के ऊपर एक गार्टर चढ़ाया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, जो गार्टर होते हैं बहुत ही ज़्यादा बड़े और कंक्रीट और स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। तो दोस्तों, इसको एक के बाद एक एक के साथ जोड़ा जाता है, फिर उसके अंदर रॉड डाली जाती है, फिर उसके बाद उनको पिलर के ऊपर टिकाया जाता है। तो दोस्तों, इस तरीके से ये एक काम होता है। दोस्तों, ये जो काम है ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है, लेकिन मैं आपको साथ साथ ये भी बता देना चाहता हूँ, क्योंकि ये काम जो है ये एक शहर के अंदर हो रहा है और अहमदाबाद जैसे काफ़ी ज़्यादा कंजेस्टेड शहर के अंदर हो रहा है, और आप देख सकते हैं कि आसपास कितनी कम जगह है। तो इसकी वजह से जो काम है वैसे तो काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, लेकिन फिर भी इस काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से काम थोड़ा धीरे है, और स्पेशली सिर्फ शहर में ही ऐसा है, क्योंकि इसकी वजह से किसी को आने जाने में दिक्कत ना हो, इसकी वजह से इसको स्लो किया जा रहा है। दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो काम है ये काफ़ी आगे भी जा चुका है। आप अगर मैं देखेंगे इधर आगे 500 मीटर आगे भी एक ऐसे ही सेम काम हो रहा है। तो इसका काम ये है कि जब ये दोनों आपस में मैच होंगे तो इसके बीच में एक मिड पॉइंट आएगा, उस मिड पॉइंट पे इसको हम लोगों को अटैच करना है। इसको मिड पॉइंट पे जब हम इसे अटैच करेंगे तो फिर ये काफ़ी लंबा 1 किलोमीटर के अराउंड, फिर 2 किलोमीटर के अराउंड ये पूरा एक एरिया बनेगा, और उसके बाद वहाँ पे आपका रेलवे ट्रैक बिछाने का काम किया जाएगा। दोस्तों, अभी स्टार्टिंग में मैं आपको बता दूँ कि अभी तो स्टार्टिंग में यही हो रहा है कि पिलर को गाड़ा जा रहा है। इसके अलावा मैं आपको कि अहमदाबाद से NHSRCL का भी एक अपडेट आया है। NHSRCL एक कोच कंपनी है जो बुलेट ट्रेन के ऊपर काम कर रही है। मैं उसका भी वीडियो आपको ला के दे दूंगा। इस वीडियो के बाद मैं इस वीडियो को भी अटैच कर दूंगा, जिसमें बुलेट ट्रेन का जो वर्क है वो हम दिखा रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि उसमें पूरा जो फ्लाईओवर सिस्टम है, मतलब जो भी बुलेट ट्रेन का अपडेट है जो अभी तक चल रहा है, वो उसमें दिखाया गया है। उसमें दिखाया गया है कि कितना पुल कंप्लीट हो चुका है, और साथ साथ पुल जो है उसमें ये भी बताया गया है कि कुछ रिवर्स ऐसे हैं, जैसे तापी रिवर हो गया, वहाँ पे पुल अभी प्रॉपरली बना नहीं है, वहाँ पे सिर्फ एक फाउंडेशन डाल दिया गया है ताकि यहाँ पे हमारे पिलर गाड़े जाएंगे, उसके बाद उसके ऊपर गार्टर डाला जाएगा। दोस्तों, इसके साथ मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, मैं NHSRCL के ऊपर एक प्रॉपर अपडेटेड वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा कि कौन सा स्टेशन कितना कंप्लीट हो चुका है। उसमें प्रॉपरली ये दिखाया गया कि कितना स्टेशन कितना कंप्लीट हो चुका है, लेकिन उसको मैं एक अलग से वीडियो में कवर करूंगा। इस वीडियो को मैं ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना चाहता, इसमें मैं प्रॉपर बस ग्राउंड रिपोर्ट देना चाहता था कि कितना काम कंप्लीट हो चुका है गार्टर और पिलर का इस अहमदाबाद शहर के अंदर, पर्टिकुलर इस एरिया के अंदर। तो मैंने आपको इतना दिखा दिया है, बाकी इसके बाद जो अपडेट आएगी हमारे NHSRCL का, उसके ऊपर एक अपडेटेड वीडियो अलग से ले दूंगा मैं, और मैं आपको बता दूंगा उसमें टोटल जो 7 स्टेशन है उसमें कितना कंप्लीट हो चुका है। आपको पता होगा कि अभी अहमदाबाद, वडोदरा, इन सब एरिया में जो आपका पूरा स्टेशन है बुलेट ट्रेन का, वो अभी कंप्लीट होना बाकी है, और साबरमती स्टेशन तो काफ़ी अच्छा बन भी चुका है। तो ये सब अपडेट मैं उसमें बताऊंगा। तो दोस्तों, ये था पूरा अपडेट इस सेक्शन का, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा, और ये जो था ये ग्राउंड रिपोर्ट था, ऐसी और ग्राउंड रिपोर्ट मैं लाता रहूँगा। तब तक के लिए आप प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहिए, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।